मैं अपनी बहन का दर्द समझ सकता हूँ, कन्हैया कुमार से ज्यादा अच्छी कैंडिडेट हो सकती है वो। कन्हैया कुमार जो आके कह रहे थे कि डूबती हुई, जब ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी, डूबती हुई जहाज है, मैं उस जहाज को बचाने आया हूँ। मैं आज तो हूँ लोकसभा के अंदर। आपको बड़ी हमदर्दी आ रही है रागिनी नायक से कि भाषण देता है जब भी लगता है जुमलों का सरदार बोलता है, उसे और कुछ आता हो ना हो वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं। दिल्ली में तो स्पष्ट है सातों के सातों, ठीक है हरियाणा बताइए, हरियाणा भी स्पष्ट है 10-10। आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में पांचों चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और छठे चुनाव के लिए 25 मई यानी कल वोट डाले। इसी चरण में 8 राज्यों और केंद्र शामिल प्रदेशों में 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण में केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी और समित पात्रा समेत कई दिग्गज चुनावी मुकाबले में आपको देखने को मिलेंगे। इस चरण में देश की राजधानी दिल्ली में भी वोट डालेंगे। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में इन सातों सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार भी दिल्ली में मुकाबला बीजेपी वर्सेज इंडी गठबंधन में होने वाला है। तो आज की डिबेट इन्हीं तमाम मुद्दों के ऊपर होने वाली है और आप लोग देखोगे कि डिबेट में बीजेपी की तरफ से है के शर्मा जी और कांग्रेस की तरफ से है रागिनी नायक जी। तो आज की डिबेट बहुत मज़ेदार और फनी होने वाली। तो वीडियो के अंदर तक अवश्य देखिए और आप लोग हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। क्योंकि आप दिल्ली से आती हैं, दिल्ली की 7 में से कितनी सीटें इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा? सातों की सातों बीजेपी के पास है, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने दिल्ली में उसी दिन हार स्वीकार कर ली थी जब 7 में से 6 प्रत्याशी उनको बदलने पड़े, और प्रत्याशियों का बदलना इस बात का मुझे लगता है प्रत्यक्ष प्रमाण था कि सातों के सातों कैंडिडेट्स ने उनके उम्मीदवार जो कि जनता ने चुनकर सांसद बनाया, उन्होंने एक दिन भी जनता के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर काम नहीं किया। और खास तौर से डॉक्टर हर्षवर्धन का हटना न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय से बल्कि सांसद के रूप में प्रत्याशी के तौर पर भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है मानक कि कोविड के समय पर दिल्ली ने जो मार झेली, जो मरघट में 24 घंटे लाशें जली, जो एक एक सांस के लिए मोहताज हुए लोग, जनता ने सोच लिया था कि इन लोगों को माफ नहीं करेगी। और जो एकमात्र रिंकिया के पापा बच गए थे उनकी तो इतनी बुरी हालत है कि वो जो इंटरव्यू देते हैं उसी में फंस जाते हैं। और जैसे मोदी जी ने तो 10 साल में अच्छा ही किया, कोई पत्रकार वार्ता की नहीं, ये महाशय कर रहे हैं और अपने जाल में उलझते जा रहे हैं। अच्छा। कन्हैया कुमार के ऊपर आक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे और आज मुझे लगता है कि पूरा हुजूम जो है दिल्ली नहीं देश से जुड़कर उस सीट पर एकत्रित होकर मनोज तिवारी जी को हराने के लिए लगा है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका दिल्ली का उत्तर पूर्वी दिल्ली है जिसमें 10 साल से ये व्यक्ति सांसद रहे। ओके, मतलब 7-0 समझ लेना, नहीं किया मतलब 7-0 होने वाला है, 7-0 नील पटा सन्नाटा भाजपा के लिए और 7 इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि झाड़ू ने हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया। अच्छा, हाथ है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया रागिनी, हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया। पंजाब में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, हाथ ने पंजाब में झाड़ू को पकड़ा या नहीं, पूरा सुन लीजिए। देखिए, दिल्ली में हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया है तो यहाँ से कीचड़ साफ होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। okay. और कीचड़ के जाते ही कमल का क्या हाल होगा ये सब देख लेंगे। okay. पंजाब में परिस्थिति के हिसाब से हम दोनों दल अलग लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ भी कोई क्या कहते हैं अकाउंट ही खुलने वाला नहीं है। वहाँ पे भी शून्य और सिफर रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, दिल्ली में भी शून्य भाजपा का और पंजाब में भी शून्य भाजपा का, और दोनों ही प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ने वाली। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखिए, आपको तो बहुत कुछ बचाना है, मैंने भी आंकड़े गिनवाए। दिल्ली की 7 बचानी है आपको, हरियाणा की 10 बचानी है, बिहार की 39 बचानी है, यूपी की 64 है, झारखंड की 11 है 14 में से। हो पाएगा, आखिरी 2 चरण बचे हैं। देखिए, मुझे आश्चर्य है मानक जी, 2014 के बाद 2019 में आप लोग यही पूछते थे। 2019 में हमने 2014 से कहीं ज्यादा बढ़ के सीटें ले आए, बचाने की तो बात छोड़ी, हम तो उससे भी आगे बढ़ गए और इस बार हम उससे भी आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, हम हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते, हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। और अच्छा है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को तुकबंदी सीख जानी चाहिए, तुकबंदी करेंगे तभी आगे का भविष्य है, बाकी तो कुछ बचा नहीं। अच्छा खासा तुकबंदी मैंने सुने 2-3, तो अब तुकबंदी का ही। अब मुझे नहीं समझ आया, कांग्रेस की प्रवक्ता हम पे बोल रही थी, आपने सहयोगी समाजवादी पार्टी पर बता रही थी, टोटी का चर्चा किसके संदर्भ में है ये आपसे और तमाम विश्लेषक बहुत अच्छे जानते हैं। टोटी चोरी, वो टोटी की बात कर रही थी, वो भैंस की बात कर रही थी, तो ये भी आपको पता है कि किसकी भैंस खोई थी।
समाजवादी पार्टी के ही कार्यकाल में आजम खान की भैंस ठूकने खो गई, पूरी पुलिस लग गई, तो भैंस की चर्चा भी वो करने लगी। तो ये समाजवादी को आईना दिखा देगी और ये स्थिति भी सही है। इन गठबंधन में घमासान भी आपस में ही है ये, और हमसे नहीं लड़ रहे, हमसे लड़ने की तो क्षमता ही नहीं है। ये आपस में एक वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं कि कहीं ये वोट बैंक इधर ना चला जाए, कभी वोट बैंक इधर ना चला। संविधान बचाने और लोकतंत्र की बात करने वाले, लोकतंत्र बचाने वाले आज खुलेआम राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तो 50% आरक्षण से ऊपर चले जाएंगे, हम तो बढ़ा देंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे हम? संविधान संशोधन करेंगे, लोग जैसा आपने इमरजेंसी के समय किया वही करेंगे, तभी आप कर सकते हैं। हम पे कहते हैं संविधान संशोधन की बात, और खुद दावा कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण देंगे, ये भी बात यही कर रहे हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। तो किसका आप कोटा काटेंगे? तो आप ओबीसी का ही काटेंगे। कल हाईकोर्ट का फैसला आया है पश्चिम बंगाल में, और बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा है 2010 के बाद के सारे जो आरक्षण के है उसकी समीक्षा करने की बात की है, उसको समाप्त करने की बात की। ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों को चोरी से इन्होंने आरक्षण दिया धर्म के आधार, ये सारे देश के सामने सामने आ गया इनका चेहरा। क्या हाल इन्होंने आंध्रा में किया था, क्या प्रयोग इन्होंने कर्नाटका में किया था, वो भी सबको पास पता है। तो ये चोर दरवाजे से धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात है, और संविधान को बदलने की बात है, तो संविधान कौन बदलेगा ये भी स्पष्ट है। मैं इतना ही केवल कहना चाहता, ये तोता छाप भविष्यवक्ता से भविष्यवाणी से कुछ नहीं होता है। जमीन धरातल पे आना पड़ता है, धरातल पे। मैं अपनी बहन का दर्द समझ सकता हूँ, कन्हैया कुमार से ज्यादा अच्छी कैंडिडेट हो सकती थी। ओहो। लेकिन समस्या बड़ी विकट है। वो कन्हैया कुमार जो आके कह रहे थे कि डूबती हुई, जब ज्वाइन किया तो उसने कहा कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी, डूबती हुई जहाज है, मैं उस जहाज को बचाने आया हूं। और आज वो जो है कैंडिडेट हो गए। वैसे भी कांग्रेस में कुछ बचा नहीं, कांग्रेस में तो यदि मैं आज तो हूं। एक मिनट के, आज आपको बड़ी हमदर्दी आ रही है रागिनी नायक से? कहीं रागिनी नायक से बड़ी हमदर्दी आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं तीन चार प्रवक्ता तोड़ने के बाद अब बीजेपी के टारगेट पर अगला नाम रागिनी नायक का है? नहीं, हम किसी को नहीं तोड़ रहे, बहुत से लोग लाइन में है, हमें पता है। अच्छा? बहुत से लोग, हम किसी को तोड़ के लाए? अच्छा, लोग अपनी बात कह के आ रहे हैं, और केवल प्रवक्ता क्यों टूट रहे हैं, इनके तो नेता भी टूट रहे हैं। वही तो मैं कहने जा रहा था आपसे, कि जो लोग राज्यसभा में बच गए हैं, जिनका 5 साल सुरक्षित नजर आ रहा है, वही राज्यसभा में, वही नेता कांग्रेस में बचे हैं। लोकसभा में कौन बचा है? लोकसभा में कोई, यदि मैं 2-3 नाम बोलूं उसके ज्यादा चौथा नाम नहीं गिना पाएंगे लोकसभा में। सोनिया गांधी थी, वो रिटायर हो गई, वो राज्यसभा में पिछले दरवाजे से चली गई। एक अधिरंजन चौधरी, आए दिन उनकी हालात आप देख रहे हैं, कब पार्टी से बाहर हो जाए पता नहीं। एक मनीष तिवारी, एक शशि थरूर, इसके बाद कोई नाम गिना सकता है? 4 जून तक का इंतजार तो कर लीजिए आप, तो अभी से देखिए कांग्रेस की ये बुरी हालत के उदाहरण देने लगे। वो तो नतीजा तय करेगा ना कि कौन से पार्टी की कितनी बुरी हालत है, नतीजा तो आने दीजिए। 2019 में क्या हालत थी? अच्छी हालत थी। इस उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में एक सीट रायबरेली थी, राहुल गांधी भी हार गए, तो कौन सी आप बहुत अच्छी स्थिति मानते हैं कांग्रेस की? कह रहा हूं बीजेपी की अग्नि परीक्षा रागिनी, कांग्रेस की भी तो अग्नि परीक्षा होगी, इंडिया गठबंधन की भी तो अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि 115 सीटें वो हैं जहां आपको एनडीए से बहुत सारी सीटें छीननी पड़ेंगी अगर आपको सरकार हटानी है तो। मानक जनता जब मन बना लेती है ना तो हवा का रुख बदलने में समय नहीं लगता, ऊंट बहुत ही सोच समझ कर करवट बदल लेता है, और तख्तो ताज पलटने का मौसम भी आ जाता है। ये अग्नि परीक्षा का समय निकल चुका, अब अग्नि परीक्षा के साथ साथ जितनी मर्जी परीक्षाएं दे दें, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इस बार लोकसभा चुनाव में पास होने वाले हैं नहीं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो पार्टी का सर्वोच्च नेता है ना, उसकी भाव भंगिमाओं से, उसके कॉन्फिडेंस से, उसके आचार व्यवहार से, उसके भाषण की शैली से बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि असल में चुनावी समीकरण क्या है और चुनाव के बाद नतीजे किस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। आप मोदी जी की तरफ देखिए और आप राहुल गांधी जी की तरफ देखिए, आपको फर्क, मुझे लगता है बहते पानी की तरह आपके लिए और जनता के लिए फर्क साफ हो जाएगा। तो मैं मोदी जी के बारे में तो इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूँ कि भाषण देता है जब भी, लगता है जुमलों का सरदार बोलता है, उसे और कुछ आता हो ना हो वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो देखिए पिछले 10 साल से मोदी जी की सत्ता की इमारत झूठ की नींव पर खड़ी रही, और मजे की बात यह है कि झूठ की नींव असल में खोखली होती है। तो अब छठा चरण आते आते न सिर्फ ये सत्ता की इमारत ढह चुकी है बल्कि मोदी जी का चुनावी रथ धस भी चुका है। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि मोदी जी के झूठ का स्तर ही देख लीजिए, पहले दूसरे चुनाव में शुरू होता है मंगलसूत्र और भैंसिया से, और छठे चरण तक आते आते अब मोदी जी कह रहे हैं बैंक के खाते बंद करा देंगे, इंडिया वाले आ गए तो बिजली गुल करा देंगे,
और टोटी में से जल गायब कर देंगे, जल में से टोटी गायब कर देंगे। मतलब कि अब क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं वो मोदी जी, कोई समझ नहीं आ रहा। मोदी जी के लिए कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। इसलिए अगला मुझे लगता है उनका डायलॉग आने वाला है कि भैया वोट दे दो, इंडिया वाले आ गए तो जिन दो टेलीप्रॉम्प्टर से देख के बोलता हूँ उसमें से एक टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर चले जाए। कहीं इसलिए तो आप नहीं बचते हैं कि 4 जून को फिर उसके बाद उल्टा हो गया तो फिर आप कैसे हमारे सवालों का सामना करेंगे, इसलिए तो नहीं बचते हैं? बाकी प्रवक्ता तो खुल के कहते हैं आपके, वो तो गिनवाने लगते हैं हम यहाँ इतनी जीतेंगे, यहाँ इतनी जीतेंगे, यहाँ इतनी जीतेंगे। ऐसा है मानक जी, हम कहां बचते हैं? मैं तो आपके सामने स्पष्टता से पहले दिन से कह रहा हूँ कि हम 400 पार करेंगे, एनडीए 400 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। इस बात को तो मैंने अभी भी कहा, तो बताइए दिल्ली में कितनी जीतें, बताइए फिर। दिल्ली में तो स्पष्ट है 7 के 7 ठीक है। हरियाणा बताइए, हरियाणा भी स्पष्ट है 10 की 10। हरियाणा में कौन लड़ रहा है, 10 की 10 बता दो आप। ओके 10 की 10 कौन है हरियाणा में लड़ने वाला, ठीक है। बिहार बताइए, बिहार इस बार हम पूरा 40 सीट जीतेंगे, 40 पूरा 40 पूरा 40। यूपी बताइए, उत्तर प्रदेश, जैसे आरजेडी का खाता नहीं खुला था वैसे इस बार भी खाता। ओके यूपी बताइए, यूपी यूपी बोलेंगे, यूपी तो आपने पहले ही आपको बता दिया। हाँ यूपी में कोई चांस नहीं है, इस बार रायबरेली में खाता नहीं खुलेगा, मतलब 80-80 रायबरेली में भी वो हालात है, लोग पूछ रहे हैं अमेठी छोड़ के। ओके बंगाल बताइए, बंगाल आज तक राहुल गांधी हो कांग्रेस हो कोई जवाब नहीं दे। ओके बंगाल और ओडिशा बता दीजिए, अमेठी का चुनाव क्यों नहीं लड़े? ओके बंगाल और ओडिशा जवाब नहीं दे पाए, खड़गे नहीं दे पाए, प्रियंका गांधी नहीं दे पाए, आज बंगाल और ओडिशा वो दे दे तो बंगाल और ओडिशा समझ जाएगी।